The topic which we are going to discuss today is future continuous tense. जी, future continuous tense. अब तक हम अपने पिछले 5 tenses को cover कर चुके हैं. उम्मीद है आपने उन सारी videos को देखा होगा और अब इस video में आप आए होंगे. तो देखेंगे कि future continuous tense क्या होता है, इसकी पहचान क्या होगी, इसमें helping verb, main verb कौन सी use की जाएगी और साथ साथ in the last हम ये भी देखेंगे कि इसमें structure कौन से use किए जाएंगे. सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस बनाते वक्त हम कौन से स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, उसमें कैसे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करेंगे और उस उर्दू के एक जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. तो ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस. क्या होता है ये? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जी, तो देखिएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में एक्चुअली वो सारे एक्शंस, वो सारे काम बताए जाते हैं जो फ्यूचर में हो रहे होंगे, जो कंटिन्यू होंगे, जारी होंगे इन द फ्यूचर. आने वाले टाइम में वो सारे के सारे एक्शंस जारी होंगे. जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँ जिससे कि टेंस आपको क्लियर हो, ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो कि वो स्कूल जा रहा होगा, मैं किताब पढ़ रहा होगा, मैं खत लिख रहा होगा, वो खाना खा रहा होगा, वो मैच खेल रहे होंगे. यानी कि ये सारे के सारे जुमले हमें ये बता रहे हैं कि इन द फ्यूचर टाइम, फ्यूचर में कोई काम जारी है, कोई काम हो रहा है. तो ये सारे के सारे जुमले बेसिकली डिस्कस किए जाते हैं, डील किए जाते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में. तो देखो, देखें इसको. All the actions which are continuous in future. Future में जो actions continue हैं वो सारे deal किए जाते हैं future continuous tense में. अब देखेंगे कि अगर हमें उर्दू का एक जुमला, एक फिक्रा प्रोवाइड किया जाए तो हमें कैसे मालूम होगा, हाउ विल बी आइडेंटिफाई कि वो टेंस, वो फिक्रा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कौन सा टेंस है, हमें ये कैसे पता लगेगा. तो उसके लिए कुछ पहचान होगी, उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कुछ ना कुछ पहचान होगी. तो उस पहचान को देखेंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कौन सी पहचान होगी. देखते हैं जी. अगर तो उर्दू के फिक्रों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के कुछ अल्फाज आए तो वो फिक्रे फ्यूचर कंटीन्यूअस के होंगे. कौन कौन से मैंने अल्फाज बोले यहाँ पे? रहा होगा या फिर रही होगी या फिर रहे होंगे जी. तो इस तरह के जो भी लफ्ज होंगे, अल्फाज होंगे, अगर तो ये उर्दू के आखिर में आए तो वो सारे के सारे फिकरात हमारे फ्यूचर कंटीन्यूअस के होंगे, उन्हें फ्यूचर कंटीन्यूअस के टेंस में डील किया जाएगा. अब इसके साथ देखेंगे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाएगी और मेन वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी. दो बातें और देखेंगे यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी यूज की जाएगी, मीन के वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी. तो सबसे पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाएगी. तो दो ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं यहां पर, या इट मे बी, शैल बी और वी विल यूज, विल बी. देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स, विल बी, शैल बी. तो अब देखेंगे कि ये किन किन कंडीशंस में यूज की जाएगी. शैल बी कब यूज किया जाएगा? अगर आई, या फिर सिंगुलर नेम को डिस्क्राइब करना हो, एक सेंटेंस में बताना हो, आई आ जाए, वी आ जाए, या कोई सिंगुलर नेम हमने बताना हो तो उसके साथ आगे जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, दैट इज शैल बी. ओके, अब विल बी कब यूज की जाएगा? ही, शी, इट,
योग और अगर प्लूरल आ गया इन ऑल सच केसेस वी विल यूज विल बी, तो अगर ही शी इट दे यू आ जाए या उसके साथ प्लूरल आ जाए कोई दो या दो से ज्यादा नेम्स आ जाए तो हम उस कंडीशंस में विल बी यूज करेंगे। तो ये दो हेल्पिंग वर्ब्स थी, शैल बी कब यूज किया, विल बी कब यूज किया। अब देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ आगे मेन वर्ब कौन सी यूज होगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। दैट विल बी द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जी, जिसको हम सिंपली आई एन जी की फॉर्म वाली की फॉर्म भी कह देते हैं, जिसको हम सिंपली आई एन जी की फॉर्म भी कह देते हैं। तो अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे। ये तो कुछ रूल्स थे, अब स्ट्रक्चर क्या होंगे। तो बेसिकली सेंटेंसेस तीन तरह के आगे यहाँ पे देखने को मिलेंगे टेंसेस के अंदर। तो एक तो वो सेंटेंस सिंपल हो सकता है, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी इंटरोगेटिव। तो अब देखेंगे कि सिंपल में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में किस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम फॉलो करेंगे और अपना सेंटेंस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर्स सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल देन नेगेटिव एंड देन इन द लास्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट इन सिंपल सेंटेंस व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी विल यूज। तो सबसे पहले हम यहां पर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगी, मींस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी एंड इन द लास्ट वी विल पुट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और साथ ही नॉट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, फिर मेन वर्ब आएगी एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये सारा था नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो अब वी विल सी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले यहां पर हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आना है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए द वेरी बेसिक रूल इज दैट वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिखा, फिर वही सारा रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दैट इज मेन वर्ब, दैट वर्ब इज एक्चुअली फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो सबसे पहले हमने सिंपल का स्ट्रक्चर देखा, नेगेटिव का देखा, इंटरोगेटिव का देखा, ये सारे थे हमारे पास स्ट्रक्चर। तो ये सारे के सारे बेसिकली हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको हमने फॉलो करना है अगर हम एक उर्दू के जुमले को जो फ्यूचर कंटिन्यूस का है उसको कन्वर्ट करने लगे हैं, ट्रांसलेट करने लगे हैं इंग्लिश में। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अब हम एक उर्दू के फिक्रे में अप्लाई करेंगे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, जी तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल लिखूंगा जिससे हमें ज्यादा मुश्किल और कोई ज्यादा डिफिकल्टीज पेश ना आए। तो क्या एग्जाम्पल लिखूंगा, वो पानी पी रहा होगा, वो पानी पी रहा होगा। तो ये उर्दू की पहचान देखिए यहाँ पर रहा होगा। तो सबसे पहले यही देखना है कि अगर टेंस का एक फिक्रा हमें दे दिया जाए तो उसके आखिर में पहचान क्या होगी, वो पहचान किस टेंस के साथ मैच हो रही होगी। जो जो मैंने यहाँ पर आपको पहचान बताई है सारी की सारी, उनमें से किस टेंस की पहचान के साथ वो हमारे फिक्रे की पहचान मैच हो रही है। तो अब ये मैच हो रही है इस फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान के साथ, इट मीन्स कि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस है 100% है। अब इसको हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कौन सा यूज करना है और मेन वर्ब देखेंगे, वो सारा मैंने यहाँ पर बताया। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको ट्रांसलेट करना, कन्वर्ट करना ही, और ही के साथ वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, विल बी। सो वी ही विल बी
अब पानी पीना ड्रिंक, तो उसके फोर फॉर्म ड्रिंकिंग, ए विल बी ड्रिंकिंग वाटर। ओके ये तो था सिंपल। अब नेगेटिव में क्या होगा, वो पानी नहीं पी रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, सिंपल नॉट का एडिशन करेंगे, बाकी सेंटेंस वही रहेगा, ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर, है ना, इसे ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी नहीं पी रहा होगा। अब बात आती है इंटरोगेटिव की, सवाल है कि अब जुमला इसी का बन जाए अगर, क्या वो पानी पी रहा होगा। अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेंगे, बाकी सेंटेंस वो ही रहने देंगे। जी विल ही बी ड्रिंकिंग वाटर एंड इंटरोगेटिव मार्क लगाया बिकॉज ऑफ द रीजन दैट दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर, सिंपल देखा वो पानी पी रहा होगा, ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर। फिर देखा नेगेटिव, वो पानी नहीं पी रहा होगा, ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। एंड इन द लास्ट वी सी इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वो पानी पी रहा होगा, विल ही बी ड्रिंकिंग वाटर, इंटरोगेटिव मार्क लास्ट में लगाया। तो ये एक सिंपल फिगरे को हमने तीनों कैटेगरीज में सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव में देखा। अब एक और एग्जांपल की तरह बढ़ेंगे जिससे ये हमें टेंस मजीद क्लियर हो, मजीद हमारे लिए आसानियां बन। तुम खत लिख रहे होगे, तुम खत लिख रहे होगे, तो ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। इसको स्टार्ट करते हैं कन्वर्ट करना, यू, अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया जाएगा, यस विल बी, यू विल बी लिखना होता है, राइट, तो राइट के फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, राइटिंग, यू विल बी राइटिंग लेटर, यू विल बी राइटिंग अ लेटर। ओके, यू विल बी राइटिंग अ लेटर, तुम एक खत लिख रहे होगे। अब बात चलते हैं नेगेटिव की, तुम एक बार नहीं लिख रहे होगे, नेगेटिव नॉट के साथ इसको बताना है, तो यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ओके हुआ। अब बात आई इन द लास्ट इंटरोगेटिव की, क्या तुम खत लिख रहे होगे। अब इसको देखना क्या करना है, वही हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेंगे, विल You be writing a letter, interrogative mark लगा दिया। तो हमने कुछ यहाँ पर future continuous के rules and regulations को देखा, उनकी पहचान, उसमें helping verb कौन सी use की जाएगी, main verb की कौन सी form use की जाएगी, और साथ में कुछ structure देखे कि simple sentence, negative और interrogative अगर आ जाए तो उसको कैसे इन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली हम ट्रांसलेट करेंगे। फिर यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखे जिनमें ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने यहाँ पर अप्लाई किया और इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को समझा होगा और बहुत कुछ यहाँ से नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस पूरे कंटिन्यूस के टेंस को लेके, हमने प्रेजेंट देख चुके, पास्ट देख चुके, फ्यूचर भी आज का प्लेन हो चुका, तो कंटिन्यूस के इस टेंस में अगर कहीं में भी आपको कोई भी इशू हो तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए कमेंट सेक्शन में। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त, वो भी याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।